हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? स्मॉल कर्सिव ए टू जेड। ओके, यू हैड ऑलरेडी लर्न दिस इन जूनियर केजी एंड ऑल्सो रिवाइज इन सीनियर केजी, राइट? तो अभी हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, तो सबको याद है ना? Yes, okay. So let's write. You have to write this in your notebook. Okay. So first, नीचे से start होगा A. A for apple. B for ball. C for cat. D for top. सारे letters यहाँ नीचे से ही start होंगे, okay? ये blue वाली line से, second blue वाली line से, याद है ना सबको? Okay, अभी क्या आएगा? E for elephant. F for fish. ओके, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंग। ओके, ये एबीसीडी सबको याद है ना? तो सबको गुड हैंड राइटिंग में लिख के मुझे पिक सेंड करने, ओके? और सारे लेटर्स ये थर्ड लाइन से स्टार्ट होगी, ओके? ओके, फिर एच के बाद आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जॉकर, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot. Okay. Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger. आपको भी ऐसे ही लिखना है, एक लाइन में, वन लाइन में फोर लेटर आएंगे और उसके नीचे ही बराबर आपको दूसरे लेटर लिखने हैं, तो इतना अच्छा लगेगा ना, आपकी नोट एकदम क्लीन लिखना है आपको, ओके? यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, and Z for zebra. आपने देखा ना, सारे letters third line से start हुए, फिर letter ऐसा नहीं है कि ये third line से start नहीं हुआ, राइट? तो ये एबीसीडी में सारे लेटर्स थर्ड लाइन से स्टार्ट होते हैं, ओके? और आपको ये ध्यान रखना है कि ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये लेटर सिर्फ ब्लू लाइन में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सिर्फ ब्लू लाइन में।
ब्लू लाइन से जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए या नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट लिखना है आपको। ओके, स्लोली स्लोली लिखना पर परफेक्ट लिखना। ओके, ब्लू लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी रेड टू ब्लू लाइन वाले कौन से लेटर है, जो रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आएंगे, थ्री लाइन में आएंगे मीन्स, तो है बी डी एच के एल टी, बस इतने ही है। ओके, तो ये जो सारे लेटर मैंने बोले वो कहाँ पे आएंगे, वो फर्स्ट थ्री लाइन तक आएंगे। ओके, अभी नीचे की थ्री लाइन में कौन से लेटर आएंगे, तो जे जी जे क्यू वाई एंड जेड। ओके, ये जो लेटर है वो नीचे की थ्री लाइन में आएंगे। ओके, और टू लेटर्स ऐसे हैं जो फोर लाइन में आते हैं, एफ और पी। ये टू लेटर्स कैसे हैं जो पूरी फोर लाइन में आते हैं, अंडरस्टैंड एवरीवन? तो बहुत ही अच्छे से आपको ये लिखना है। ओके, नाउ किड्स यू विल लर्न द नेम ऑफ द मंथ। ओके, तो मंथ के नेम आपको पता है ना कौन से है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सबको याद है ना ये? यस। तो अभी आज हम जनवरी, फरवरी और मार्च के स्पेलिंग लर्न करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। आपको पता है जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। कितने डेज होते हैं? 30। 31 डेज होते हैं टोटल, ये याद रखना। फरवरी मंथ में कितने होते हैं? 28। और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं, पर जिस साल लीप ईयर होता है उस साल 29 डेज होते हैं। और मार्च में कितने डेज होते हैं? 31। कितने डेज होते हैं? 31। ओके, तो जनवरी और मार्च में 31 डेज होते हैं। 31 डेज का वन मंथ होता है, वन मंथ कंप्लीट होता है तो सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी आता है, राइट? तो टीचर जब भी डेट लिखते हैं तो तब आप देखना रोज कि 30 या 31 आता है, उसके बाद हमारी डेट फर्स्ट से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स कि न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, राइट? ओके, चलो तो अभी हम स्पेलिंग करते हैं, वेरी इजी। जनवरी का स्पेलिंग है जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी, इजी है ना? जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। वेरी गुड, सब बोल रहे हैं तो वेरी गुड। जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। तो अभी हम लिखते हैं ये स्पेलिंग और आपको भी ज्यादा बार बोलना है। ओके, और बोल बोल के लिखना है। तो चलो, जे ए एन यू
A-R-Y, January. J-A-N-U-A-R-Y, January. J-A-N-U-A-R-Y, January. और January के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज. ओके, अभी हम करेंगे फेब्रुवारी. अभी कौन सा स्पेलिंग करेंगे हम? फेब्रुवारी. फेब्रुवारी का स्पेलिंग है FEBRUARY, फेब्रुवारी. इजी है ना? FEBRUARY, फेब्रुवारी. FEBRUARY, फेब्रुवारी. देखो इसमें भी लास्ट में UARY आ रहा था, इसमें भी UARY आ रहा है ना? तो पीछे का तो सेम ही है, वो लर्न नहीं करना है एक बार कर देने के बाद, राइट? तो ये तो इजी है ना, FEBR इतना ही याद रखना है. FEBRUARY, फेब्रुवारी. FEBRUARY, फेब्रुवारी. वेरी गुड. चलो अभी लिखते हैं स्पेलिंग. FEBRUARY, फेब्रुवारी. FEBRUARY, फेब्रुवारी. FEBRUARY, फेब्रुवारी. ओके, फेब्रुवारी मंथ के कितने डेज होते हैं? 28 और लीप ईयर में 29. ओके, उसमें 2 डेज कम होते हैं फेब्रुवारी मंथ में. चलो नाउ नेक्स्ट मार्च. मार्च का स्पेलिंग बहुत इजी है. MARCH, मार्च. MARCH, मार्च. MARCH, मार्च. MARCH, मार्च. MARCH, मार्च. लिखते हैं ये स्पेलिंग. MARCH, मार्च. MARCH, मार्च. MARCH, मार्च. ओके, मार्च में कितने डेज होते हैं? 31. मार्च में कितने डेज होते हैं? 31. ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग एट योर होम एंड राइट दिस स्पेलिंग इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, सो बाय बाय.